नमस्कार, कृषि संदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चौमू तहसील के ग्राम टांकरड़ा में हेल्पिंग फॉर हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में प्रथम विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 126 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। समारोह में विधायक रामलाल शर्मा, RLP प्रत्याशी छुट्टन यादव तथा PCC सदस्य विष्णु सैनी टांकरड़ा, सरपंच सज्जना सुरेश सोड़ तथा गांव के गणमान्य लोगों ने भामाशाह ने शिरकत की। हेल्पिंग फॉर हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्देश्य युवाओं को आवारा पशुओं के प्रति संवेदनशील होने तथा गरीब तथा फुटपाथ लोगों की समस्या से रूबरू कराना है। इस कार्यक्रम में ट्रस्ट सदस्य अध्यक्ष सुनील बागड़ा, सचिव विकास पिंगोलिया, महासचिव धनराज खतौदिया, ट्रस्टी प्रहलाद बाडिगर, कृष्ण कुमार यादव मौजूद रहे। चौमू से भवानी सिंह नथावत की रिपोर्ट। अभी हम पहुंच चुके हैं चौमू तहसील की ग्राम पंचायत टाकरडा में। यहां एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यहां बात करेंगे जो आयोजन करता है उनसे। हाँ सर, ये जो रक्तदान का कैंप आपने आज लगाया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा जो हमारे NGO के माध्यम से जो जुड़ रहे हैं सभी युवाओं से, और ये हमारे ग्राम पंचायत टाकरडा में पहला ब्लड डोनेशन कैंप है, और यहाँ के लोगों को रक्तदान के लिए अग्रसर करना, युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित करना, इसके लिए हमने हमारी ग्राम पंचायत टाकरडा में रक्तदान शिविर का प्रोग्राम रखा है। आपकी जो संस्था है रक्तदान के साथ साथ और कौन से काम करती है? ये हमारी संस्था रक्तदान के साथ साथ आवारा पशु होते हैं जिनका कुछ लोग एक्सीडेंट वगैरह अटैक कर देते हैं, जैसे घायल एक्सीडेंट ऐसी गायों का और आवारा पशु का इलाज करते हैं। ये जो आप ये सामाजिक काम कर रहे हो, इसकी जो आपकी संस्था है ये कहाँ कहाँ का काम करती है? ये हमारी संस्था चौमू विधानसभा के आसपास के गाँव में, आमेर, मिर्जापुरम जैसे आसपास के गाँव में काम करती है। जो घायल गायें रहती है, बीमार गायें रहती है, वो लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो किस प्रकार संपर्क कर सकते हैं? हमारी संस्था के हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, वो लोग हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं और हमारे को सूचना दे सकते हैं कि जहाँ भी जो भी गाय किसी मतलब एसिड अटैक हो, कई और किसी तरीके से बीमार हो, आवारा पशु हो और किसी अन्य किसी तरीके जैसे गाय गोज ऐसे अन्य पशु से मिला सकते हैं। आपने हमारे चैनल में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार। हमारे न्यूज़ में आया।